राम से बड़ा ना कोई नाम है, ना उनकी भक्ति से बड़ा कोई काम है। राम ही आदि है, राम ही अनंत है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी है, जहां प्राण प्रतिष्ठा में चंद घड़ियां शेष बची हैं। लेकिन जो राममय माहौल इस वक्त अयोध्या में है, वैसा ही हर्ष और उल्लास देश के हर कोने में है। इसी बीच यादव परिवार की राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 जनवरी की सुबह अपना पहला रिएक्शन सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर दिया। इसके साथ ही एक वीडियो भी लोगों के साथ शेयर किया। सपा प्रमुख ने लिखा, उस पावन हृदय में बसते हैं सियाराम, जो करता है रीति नीति मर्यादा का मान। बता दें कि अखिलेश यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन वो समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो अयोध्या धाम परिवार के साथ जरूर जाएंगे, लेकिन समारोह के बाद। साथ ही उन्होंने निमंत्रण को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद भी किया था। अखिलेश यादव के अलावा मुलायम परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से पहले एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया, जय श्री राम। रवाना होने से पहले उन्होंने गाड़ी में बैठने के बाद राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी सुनिए। जय श्री राम, मैं जा रही हूँ अयोध्या और आज मेरे लिए ये जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आशा करती हूँ सभी के जीवन में भगवान श्री राम जो है प्रसन्नता दें, आशीर्वाद दें कि हमारा देश तरक्की करे। और हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जो है हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक मंदिर जो हम सब भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, उसको बनाने का एक बहुत बड़ा प्रण लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राम उत्सव के दिन खुशी जाहिर की। कहा, सदियों के संघर्ष और हजारों महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे। सनातन की सत्ता और राम राज्य की पुनर्स्थापना की बधाई, जय श्री राम। फिलहाल राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हर कोई अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर भाव विभोर है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस पावन दिन में सभी सियासी दूरियां भुलाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।